जनपद मुरादाबाद के कंजरी सराय थाना कोतवाली निवासी सनी पुत्र अशोक कुमार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र पेश किया है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि वह उसका पुश्तैनी मकान है जो कि उसके पिता ने उसके नाम कर दिया था। आरोप है कि चाचा नन्हे ने पीड़ित सनी पुत्र अशोक कुमार का मकान धोखाधड़ी से अपनाते हुए किसी और व्यक्ति गजराम के हाथों बेच दिया। ये भी आरोप है कि पीड़ित का चाचा नन्हे पीड़ित राजू के पास आया और कहा कि उसने तुम्हारा मकान बेच दिया है, एक हफ्ते के अंदर मकान खाली करने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ित राजू रिपोर्ट लिखवाने के लिए तुरंत थाने पर गया। आरोप है कि थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित राजू ने बताया कि उसके पुश्तैनी मकान को उसके चाचा ने धोखाधड़ी कर बेच दिया है। उसके बाद चाचा नन्हे सिंह बिट्टू निक्की और गजराम अपने साथ कंजरी सराय पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों को अपने साथ लाया और जबरन उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। वे उस समय घर पर नहीं था और घर का सामान तोड़ दिया, घर की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की और उसके मकान में अपना ताला डाल दिया। धमकी देकर गया कि दोबारा घर में घुसे तो तुम्हें किसी भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। इसके बाद पीड़ित राजू ने अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी मुरादाबाद, डीआईजी मुरादाबाद, एसएसपी मुरादाबाद को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा सनी कुमार। सनी कहाँ रहते हो आप? मैं कंजरी सराय रहता हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला यह है, मेरे एक दादी लाई पुश्तैनी एक मकान है और वो बहुत पुराना है, 24 साल तो मेरे को हो गए। 24 साल पहले बचत नाम हुई थी, मेरे दादी दादा ने मेरे पापा का नाम कर दी, चारों भाइयों ने नाम करी थी उस बचत को। उस मकान में मुझे रहते हुए करीब 24 सालों को, मेरे एक निजी दादी वो दादा का मकान है, एक मेरा भी मकान है। तो वो मकान में रहता था, उस मकान में रहते रहते दो चार कमरे हैं उस मकान में। चार कमरों में रहने के बाद दो मेरे चाचा ने रहने के लिए मांगे थे, कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन्होंने फिर उसको किराए पर उठाना चालू कर दिया। किराए पर उठाना चालू करने के बाद उसके बाद उन्होंने, मैं बीच में बाहर गया हुआ था अभी हफ्ता 10 दिन पहले, मेरे पीछे उस मकान को सेल कर दिया गया और उसकी मैंने रोकथाम करी तो मुझ पर जो है जान से मारने की धमकी दी गई है। ना तो मैं घर जा सकता और ना मैं कुछ कर सकता। रात में नन्हे सिंह ने, बिट्टू है, निक्की है और सामने जिसने लिया गजराम, उसके दोनों लड़के हैं, उन्होंने ये कहा है मैं किस गली में आग लगा दूंगा, हम तुम्हारा सामान निकाल के फेंकेंगे। रात 11:30 बजे के टाइम में मैं घर में नहीं था, मेरी वाइफ थी और मेरे ये बच्चे थे सब। उन पुलिस वाले पूरी टीम के साथ आए थे 11:30 बजे, ना महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने जो घर में घुस के हमें निकाल के उनका ताला लगा के चाबी उनके हाथ में दे गए। लेडी सुख संग बदतमीजी करी गई। एसएसपी को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, मैं पहले भी दे चुका हूँ उनको, एसएसपी डीएम जिलाधिकारी को। अब मैं ये चाहता हूँ, एक तो मेरी जान की सुरक्षा के लिए मेरे परिवार की, क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ, मैं रहता हूँ बाहर, मेरी जान के पीछे लगे पड़े हैं और मैं घर भी नहीं जा सकता। जान से मारने की मर्डर की धमकी दे दी गई है, उसमें कि 3-4 लोग और हैं जिनके मैं नाम नहीं खोलना चाहता, जब वक्त आगा मैं उनके भी नाम खोलूंगा।